तो गाइस फाइनली बड़े ही लंबे इंतजार के बाद में हुंडई ने अपनी वर्ना का फेसलिफ्ट वेरिएंट 2023 की स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी हमारे सामने खड़ा है ब्लैक कलर में। ये कार जो है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आइए गाइस इसका वॉकअराउंड करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, इसका एक्सटीरियर देखते हैं और इंटीरियर भी देखेंगे। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से बेस्ट इन सेगमेंट लग्जरी सेडान के साथ। फ्रंट से इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, कनेक्टेड डीआरएल्स मिलते हैं और जो हेडलाइट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। इस कार में मैंने एक चीज़ फ्रंट में नोटिस की, ये देखिए जैसा कि होंडा सिटी में आया है फ्रंट में कुछ इस तरीके का पैटर्न, आगे उसी तरीके से ही इसमें भी मिलता है। ये देखिए ब्लैक वाला यहाँ पर टॉप वेरियंट खड़ा हुआ है तो फ्रंट में ही एडास मिल जाता है। ये देखिए अच्छा, इसमें एक चीज़ आप मिस करेंगे क्योंकि इस कार में ना 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ये देखिए, और जो कि ओआर बीम्स पर मिलता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसको आप बिल्कुल ही मिस करने वाले हैं। राइट प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ब्लैक कलर में इसके अलॉयज में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके का ये इसको लुक प्रोवाइड करा रहे हैं, वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ब्लैक कलर में इसके अलॉयज। अपोलो के टायर्स मिलते हैं, टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 205/55 R16, काफ़ी गजब। DTC को यहाँ पर मेंशन किया है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल, टेल लाइट देखिए काफ़ी गजब लग रही है इसमें, कनेक्टेड यहाँ पर लाइट मिलती है। ये देखिए वरना को यहाँ पर ग्लास में अंदर की तरफ 3D मेंशन किया है, हुंडई का लोगो मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने 1.5 टर्बो को मेंशन किया है, काफ़ी गजब लग रहा है। ऊपर की तरफ 7 एंटीना और इसकी टेल लाइट ना वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स मिलते हैं, ये देखिए काफ़ी गजब। इस कार को मैं आपको फुल फ्रेम में दिखाता हूँ लेफ्ट साइड से, ये देखिए गाइस बहुत ही गजब लग रही है। आइए गाइस इसका इंटीरियर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिंगल टोन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है। लाइंस देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ग्लव बॉक्स में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ठीक ठाक स्पेस इसमें मिलता है और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दिया है, ये देखिए एडजस्ट करने के लिए। एक सब ऊपर यहाँ पर मिलता है इसके डैशबोर्ड पर। वैनिटी मिरर देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं दी हैं, यहाँ लाइट्स दी हुई हैं वाइट कलर में है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अपडेट किया गया है इसमें। आइए गाइस अब मैं आपको ड्राइवर साइड डोर दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियर एंट्री मिलती है। आइए गाइस अब मैं आपको ड्राइवर साइड डोर के सभी फीचर बटन दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका ये पैटर्न है। डुअल टोन मिलता है, यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ये थोड़ा सा हार्ड है, और यहाँ पर ये यहाँ पर सभी फीचर बटन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए बॉस के स्पीकर्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप देखिए कुछ बटन्स मिल जाते हैं और नीचे की तरफ दो पैडल्स मिलते हैं बोनट ओपन करने के लिए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसमें ड्राइवर सीट मिलती है, काफ़ी गजब। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग देखिए हुंडई को यहाँ पर 3D में मेंशन किया है। फीचर बटन लेफ्ट साइड में भी मिलते हैं, राइट साइड में भी मिलते हैं। वाइपर कंट्रोल, यहाँ पर हेडलाइट कंट्रोल मिलता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ये देखिए काफ़ी गजब। इसकी विजिबिलिटी अभी तो ठीक लग रही है लेकिन इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अभी क्लियर नहीं है, वैसे कर सकते होंगे डेफिनेटली। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए फुली डिजिटल दिया हुआ है। स्पेस की बात कर लेते हैं, हेडरूम देखिए काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नी रूम एंड लेग रूम की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, सीट अभी पीछे है। आगे कर लेता हूँ, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर साइड में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर गियर नॉब मिलता है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिलता है, यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का 120 वोल्ट का है। ये देखिए ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, ये देखिए इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं। और यहाँ पर एक और ज़बरदस्त फीचर मिलता है, ये देखिए ये टच आ जाता है यहाँ से ही एक बार प्रेस करने पर, ये देखिए मीडिया कंट्रोल करने के लिए, रेडियो कंट्रोल करने के लिए ये इसमें टच फीचर मिलता है एक बटन से ही, ये देखिए।
काफ़ी गजब। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सनरूफ, ये देखिए गाइस, इसको आपको मैनुअली करना होगा और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ये देखिए ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है। आर्मरेस्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त। सेकंड रो में चलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका ये डोर है, वो ड्राइवर जैसे ही है, बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। आइए अंदर चलते हैं सेकंड रो में, काफ़ी गजब इसका इंटीरियर, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। ये देखिए वाइट कलर में दिया हुआ है और यहाँ पर ग्रैब हैंडल एक मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर डोर हैंडल डुअल टोन में यहाँ पर मिलता है, ये देखिए यहाँ पर पावर विंडो बटन मिलता है, बॉस के इसमें स्पीकर्स दिए हुए हैं। सीट की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी प्रीमियम है। आर्मरेस्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। स्पेस की अगर बात की जाए तो लेग रूम देखिए, नी रूम देखिए, काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर मिलता है, काफ़ी ठीक ठाक है। ये देखिए हेडरूम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हेडरेस्ट मिलता है, दिखते हैं ये होता है, जी हाँ ये एडजस्टेबल है, ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी की एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, ये देखिए यहाँ पर तीन तीन सीट बेल्ट दी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया गया है। आइए मैं आपको सेंटर में बैठकर दिखाता हूँ कितना स्पेस मिलता है। भाई यहाँ तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन साइड वाले पैसेंजर्स के लिए तो काफ़ी ठीक ठाक है, सेंटर में थोड़ा हार्ड रहने वाला है। इसके फ्यूल कैप को लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कट्स दिए हुए हैं जो कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। आइए मैं आपको आगे इसके रियर एसी वेंट्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस काफ़ी ज़बरदस्त, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और नीचे की तरफ USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। आइए इसका रियर व्हील देखते हैं, ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके के पैटर्न में इसमें अलॉयज मिलते हैं, अपोलो के टायर हैं। टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 205/55R16, काफ़ी ज़बरदस्त अपोलो के टायर्स मिलते हैं। आइए गाइस मैं आपको इस कार का इंजन दिखाता हूँ, ये देखिए ₹1.5 लीटर का इसमें इंजन मिलता है, ये देखिए। आइए गाइस अब मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कितना स्पेस इसमें मिलता है, ये देखिए, ओह माय गॉड, इसमें तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, ये देखिए काफ़ी गजब। यहाँ पर स्पेयर व्हील रखा हुआ है, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त, यस। आइए इसको बंद करते हैं, यहाँ पर आप देखिए दो लाइट्स मिल जाती हैं नीचे की तरफ जो कि नंबर प्लेट लाइट्स हैं। इसके सभी टेक्निकल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आपके सामने हैं, ये देखिए डायमेंशंस यहाँ पर लिखी हुई है इंजन। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।